हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज सीमा और कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप घर पर कर्ल्स किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपका पार्लर है तो उसमें आपको कर्ल्स किस तरीके से करना है अगर आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं तो। फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आते हैं कि दी हमारे जो कर्ल्स हैं वो टिकते नहीं हैं, कर्ल्स करने से पहले क्या लगाएं बालों में, या फिर कर्ल्स करने के बाद क्या लगाएं बालों में जिससे कि कर्ल्स लॉन्ग टाइम तक स्टे करें, पूरी पार्टी में चल जाएँ। सो गाइज, इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको कर्ल्स करना है, क्या लगाना है। सो वीडियो को पूरा देखना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो अभी आप देख रहे हैं इनके बालों में कितना ज़्यादा रफ हेयर है इनके बाल, और इनके बालों का टेक्सचर कुछ इस तरीके से था, बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस थी, रफनेस थी, काफ़ी ज़्यादा कुछ इस तरह से थे। सो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये है टाफ्ट का मूज़ है गाइज। अभी आप बोलेंगे कि मूज़ होता क्या है, कब, क्यों और कैसे लगाते हैं। सो ये कुछ इस फॉर्म में होता है, और इसको सबसे पहले हथेली पे लेना है, आपको इसको रब करना है, देन बालों की लेंथ पे लगाना है। इससे होता क्या है, जब भी आप कर्ल्स करने से पहले इसको लगाएंगे तो आपकी जो जब भी आप कर्ल्स करेंगे ना, उसको बहुत अच्छा वाला एक तो वो कर्ल्स आएगा बालों में, और ऊपर से वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, वो जल्दी से खुलेंगे नहीं, है ना। अगर आपने देखा होगा जब आप कर्ल्स करते हैं, कर्ल्स करने के बाद में जब आप स्प्रे लगाते होंगे जो कि होल्डिंग वाले स्प्रे होते हैं, हाँ, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि कर्ल्स वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। सो गाइस, जब भी आप कर्ल्स कर रहे हैं ना किसी क्लाइंट के ऊपर या खुद ही के ऊपर कर रहे हैं, तो आप मूज़ लगा कर देखिएगा। मूज़ लगाने के बाद उसकी जो होल्डिंग पावर है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है, और कर्ल्स बहुत देर तक टिकते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। आपको हेयर वॉश करने हैं, बालों में तेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हेयर वॉश करने के बाद आपके 80-90% जो हेयर हैं वो ड्राई होने चाहिए। 10% अगर बालों में मॉइस्चर है तो चलेगा, बिकॉज वो मॉइस्चर वाले हेयर में ही आपको लगाना है मूज़, ठीक है। मूज़ को आपको लेंथ में लगाना है, आपको ऊपर नहीं लगाना बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको लेंथ में लगाना है, देन थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर लेकर के जाना है, जो भी थोड़ा बहुत बच जाए तब। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने मशीन लिया यहाँ पे, जो आयरन मशीन है, स्ट्रेटनिंग मशीन, उसी से हम इनके बालों में कर्ल्स देंगे। और हमने इस तरीके से पार्टिंग कर दी, इनके दो डिवाइड बालों को दो सेक्शन में बांट दिया, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो यही सही तरीका होता है कर्ल्स करने का, आपको पूरे बालों को ओपन करके कर्ल्स नहीं करने, आपको इस तरीके से डिवाइड कर देने हैं हेयर को, ना, दो भाग में। देन सबसे पहले नीचे वाले बालों को आपको कर्ल्स करना है, अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से। देन जब नीचे वाले हेयर हो जाएं तो आपको ऊपर वाले पार्ट में कर्ल्स करना है। इससे क्या होगा, आपके जो कर्ल्स हैं बहुत सारे बनेंगे, बाल हैवी लगते हैं, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लगता है बालों में। अगर आप डायरेक्ट खुले वाले बालों में इस कर्ल्स करेंगे तो वो थोड़े बहुत कर्ल्स आते हैं, और बाल बहुत बालों में जो कर्ल्स है ना बहुत कम आता है। तो डिवाइड करके ही करेंगे तो काफ़ी सारे कर्ल्स बनेंगे। और अभी आप देख रहे हैं हम स्ट्रेटनिंग मशीन से ही कर्ल्स कर रहे हैं। मैं मोस्टली अपने क्लाइंट के ऊपर ज़्यादातर स्ट्रेटनिंग मशीन से ही कर्ल्स करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे उससे बहुत ईजी लगता है, एंड उस वाले इस मशीन के जो कर्ल्स हैं ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। गाइस, अभी आप देख रहे हैं इनके बालों में कितनी अच्छी शाइन आ गई है, एंड फिनिशिंग कितनी ज़्यादा अच्छी आ गई, जितनी भी रफनेस थी वो सारी गायब हो गई है, है ना। तो इसी तरीके से करना आप भी, कभी भी आप कर्ल्स कर रहे हैं ना, आप मूज़ को अप्लाई करके ज़रूर ज़रूर से करना, वो आपके बालों में बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं जो भी आप कर्ल्स कर रहे हैं, जल्दी से खुलते नहीं हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों की यही शिकायत होती है कि हमने जब भी कर्ल्स किया है अपने बालों में वो खुल जाते हैं आधे घंटे एक घंटे में, वो बिल्कुल फ्लैट से होने लगते हैं। सो गाइस, यही रीज़न होता है बिकॉज आप मूज़ नहीं लगाते, एक बार उसको लगा के देखिएगा, एंड सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला रिजल्ट आएगा। और इनके बालों में जितने भी फ्रिजीनेस थी ना, सारी की सारी गायब हो गई थी, बिकॉज उस मूज़ ने बहुत एक फिनिशिंग वाले कर्ल्स दिए थे। और आयरनिंग मशीन का सबसे बेस्ट जो रोल होता है ना, सबसे ज़्यादा रोल तो आयरनिंग मशीन का ही होता है, या कोई भी मशीन का होता है, कि आप कर्ल्स कैसे कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जो मशीन की जो प्लेट होती है ना, वो ही डिपेंड करती है कि आपके बालों में शाइन आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज जो सेरेमिक प्लेट होती है ना, सेरेमिक कोटिंग प्लेट होती है, वो आपके बालों में एक अच्छी वाली कोटिंग शाइनिंग ले आता है। आप देखिएगा कभी अच्छी वाली मशीन से कर्ल्स करके और एक लोकल नॉर्मल मशीन से कर्ल्स करके, तो दोनों के कर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और जो अच्छी वाली मशीन होगी ना, वो आपके बालों में एक अच्छी वाली शाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं ना, ये है दोनों आइकॉनिक की, एक है ग्लैम, ठीक है, आइकॉनिक की ग्लैम है, और एक मैंने न्यू ही अभी परचेज़ किया है, इसका रिव्यू मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी।
ठीक है, तो मुझे दोनों मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड फ्रेंड, आप लोगों के बहुत कमेंट ऐसे आते हैं जिसका मैं हर बार हर हर वीडियो में यही रिप्लाई करती हूँ। क्वेश्चन क्या होता है कि मैम कौन सी वाली आयरनिंग मशीन ज़्यादा अच्छी है, प्लीज़ हमें बताइए कौन सी फ्लैट मशीन हम खरीदें। तो मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ गाइज, मुझे आइकॉनिक की ग्लैम अच्छी लगती है। आइकॉनिक की वैसे सारी ही बहुत अच्छी है, रेंज थोड़ी सी हाई है बट रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग देता है। और फिलिप्स की कैराशाइन बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो प्लेट है ना वो चौड़ी वाली 1.5 इंच की प्लेट होती है, मुझे उससे काम करना बहुत पसंद है। अगर मैं किसी के बालों में स्ट्रेट कर रही हूँ तो बहुत जल्दी से काम हो जाता है एंड शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है बालों में। तो अभी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इनके बालों में कर्ल्स हो रहा है, फ्रिजीनेस तो सारी चली गई है। तो गाइज, आप जब भी कर्ल्स करें ना एक बार मूव्स को ज़रूर यूज़ करना, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। आई थिंक 350 रुपीज़ के अंदर में आपको कई सारे ब्रांड के मूव्स मिल जाएंगे और ये बहुत अच्छे से काम करता है बालों में। और जब हम कर्ल्स करते हैं तो अगर वो कर्ल्स खुल जाएँ तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना, ना तो वो स्ट्रेट रह जाते हैं और ना तो वो कर्ल्स रह जाते हैं। सो इसलिए मूव्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम हर किसी के बालों में यूज़ नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि किसी के बालों में करना चाहिए तो हम ज़रूर से मूव्स को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ कुछ कुछ बालों में तो हम सीधे कर्ल्स करते हैं देन उसके बाद हम स्प्रे कर देते हैं अगर हम ऐसा लगता है कि इनके बालों में टिक जाएंगे, है ना। वो बालों के टेक्सचर को देख के पता चल जाता है, मुझे तो पता चल जाता है कि इनके बालों में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। तो इनके बाल बहुत ज़्यादा रफ थे तो हमने इनके बालों में मूव्स लगाया है बिकॉज इससे एक अच्छी सी चमक आ गई थी इनके बालों में, अभी आप देख रहे हैं। फिर इनके बालों में हमने बाद में कोई भी स्प्रे नहीं किया था, खाली मूव्स लगा के हमने कर्ल्स कर दिए थे देन इनको ऐसे ही ओपन छोड़ दिया था बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए था, है ना। अगर हम इसके ऊपर स्प्रे लगा देते तो ये थोड़े से हार्ड हो जाते, ठीक है, इनको ऐसा नहीं चाहिए था, इनको सॉफ्ट सॉफ्ट से हेयर ही चाहिए थे तो इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मुझे भी बहुत पसंद आ रहे थे। सो गाइस, इस तरीके से ज़रूर से करके देखना और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि कैसा आया। और मूव्स बहुत अच्छे से काम करता है बालों में, बालों को कोई डैमेज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपको इसको रूट पर तो लगाना नहीं, आपको बालों के नीचे लेंथ में ही लगाना है और होल्ड बहुत अच्छे से कर देता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, सजेशन हो तो आप मुझे देना और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ गाइस वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। और चलो, आप वीडियो को फुल इन्जॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इनका हमने आगे से इस तरीके से पिन अप कर दिया था बिकॉज इनको आगे से ऐसे ही चाहिए था, एक्चुअली इनका बर्थडे था और इनको ये अपनी बर्थडे पार्टी में इनको कुछ इस तरीके से कर्ल्स करने थे और इनको ये बहुत पसंद है, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और हम अपने पार्लर में कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं और क्लाइंट खुश होकर जाता है बिकॉज हम काम अच्छा करेंगे तो क्लाइंट हमारे पास दोबारा भी आएगा, ठीक है। काम कोई जल्दबाजी का नहीं करना पार्लर में, हमेशा क्लाइंट्स को खुश करके भेजना है बिकॉज क्लाइंट खुश तो हम खुश, है ना। सो यही था इस वीडियो में और मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज काफ़ी सारे यही क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारे कर्ल्स टिके नहीं। सो मैंने सोचा कि ना इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।